वापस आने के बाद फोन वोन और ये जो नॉर्मल चीज है वो बड़ी अजीब सी लगी होगी कि ओके अभी मुझे कोई उठाने वाला नहीं है या खाना मुझे प्रॉपर मिलने वाला है। खाने के लिए लड़ाई नहीं होगी, खाने पे राशनिंग नहीं होगी और उठाने का समय नहीं होगा कोई, तो वो एक अच्छी चीज है। लेकिन फोन इतना ज्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि मैं इतना फोन ही पर्सन हूँ नहीं। और तो फोन वॉज नॉट कि अरे वाह मेरे पास फोन होगा, तो वो नहीं है। पर हाँ, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें बात मतलब खा कभी भी सकता हूँ, जो चाहे वो खा सकता हूँ, वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, वो उस चीज़ से खुश हूँ। आंटी की भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो गई होगी क्योंकि बहुत सारे ऑफर्स उनके पास भी आ रहे होंगे। सो क्या उनके प्लान है कि बेटे के लिए मतलब घर की दुल्हन कैसी हो? नहीं, नहीं, मेरी मॉम ने अपनी बेटियों के लिए नहीं ढूंढा और नहीं ना ही वो अपने बेटे के लिए ढूंढेंगे। तो अब देखते हैं जब कोई जब कभी भी आए तो वैसे। आखिरी सपना जो आपने देखा हो और आपको याद हो कि ये मैंने देखा था ऐसा कुछ? वो है कि मैं बॉस की ट्रॉफी जीतूं और वो जीत ली। तो सपना पूरा हो गया ना? हाँ, उसके बाद तो देखा होगा कुछ? उसके बाद कुछ नहीं देखा, उसके सपने देखे नहीं अभी। हाँ। अच्छा, बिग बॉस के घर में कोई ऐसा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुआ है, इंसिडेंट हुआ है व्हिच यू फील लाइक यार ये नहीं होना चाहिए था? एम्बैरेसिंग सिचुएशन बहुत कुछ एम्बैरेसिंग हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था ऑन कैमराज। हाँ, ऐसे बहुत सी सिचुएशन है, बहुत सी लड़ाइयाँ जो हुई, जो बहुत सी चीज़ें जो हुई वो सामने ना होती तो बेटर था, लेकिन वही फॉर्मेट था शो का और वैसी चीज़ें हुई। बाहर आने के बाद आपने सारे आपके एपिसोड्स देखे या सिर्फ हाईलाइट्स देखे? मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा और एक भी हाईलाइट नहीं देखी। हाँ, इंस्टा पे जो स्टोरी जो वीडियोस मुझे भेजे गए हैं या जिनको पे मैं टैग हुआ हूँ वो मैंने थोड़े बहुत देखे हैं और बहुत मजा आया देखकर। सिद्धार्थ, अगर ऐसा कोई टैलेंट हो जो हमें बिग बॉस के घर में ना दिखाओ, कहीं नहीं दिखाओ और अभी ऑडियंस को बताना हो, तो वो कुछ है ऐसी चीज़ जो छुपी हो? पहली बात तो पता ही नहीं कि मेरे में क्या टैलेंट है क्या नहीं है और क्या दिखा है क्या नहीं दिखा है, मेरे को वो भी नहीं पता। और क्या है बचा वो भी मुझे नहीं पता। सबसे फन पॉइंट अगर बिग बॉस के घर में कुछ हुआ तो वो सबसे फन चीज़ क्या रही आपके लिए? फन चीज़ Shehnaz was the funniest thing and a thing that I had the maximum fun with, because being with her was so much of fun and it was a good moment spent. Itni hasi mazak aur mastiyan hoti thi jo maine bahut samay tak us ghar mein rehkar kisi aur ke sath nahi ki, jo maine unke sath share kiya. Okay, last jhoot aapne kaun sa bola? Last jhoot maine kaun sa bola? Yaar mere ko nahi yaad hai, मेरे को नहीं याद है एक्चुअल। मैं ऐसा कोई मौका आया नहीं लाइफ में कि मेरे को अभी जो मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत पड़े, मतलब अगर सच बोल दिया तो कोई इतना बड़ा लॉस नहीं हो रहा था मुझे कहीं पे भी, तो मैंने कोई झूठ बोला नहीं है ऐसा जो मुझे याद हो। वैसे मस्ती खोर आप ऑब्वियसली बिग बॉस घर में भी दिखे हैं, तो मस्ती की बात हो तो कभी कोई ऐसा प्रैंक आपको याद है जो आपने किसी पर किया और एकदम ही मतलब खतरनाक हो गया उसके साथ? शहनाज के साथ जो भूत वाला किया था वो ही काफ़ी ज़्यादा आई एम श्योर, क्योंकि मैंने वो उसका मैंने एक वीडियो भी देखा और वो देख रहा था उसमें। एक्चुअल में मेरे को वीडियो किसने भेजा था मेरी हंसी के ऊपर, पर वो हंसी उससे रिलेटेड थी तो मेरे को वो पूरा सीन याद आया था एंड वाज डैम फनी। ओके, अगर सिद्धार्थ को नाम बदलना पड़े किसी रीज़न से तो वो कौन सा नाम अपना रखना चाहेंगे? नहीं, मैं कोई अल्फाबेट बदलूंगा, नाम ये रखना चाहूँगा। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसका आप अनलिमिटेड स्टोरेज रख सकते हो तो वो कौन सी चीज़ होगी? मेमोरीज। तो दैट्स नॉट अ थिंग। या थिंग जिसके लिए अनलिमिटेड स्टोरेज हो, मैन आई गेस क्लोथ्स। कपड़े। ओके, एक ऐसा फूड जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, यू कैन ईट एनी टाइम? इंडियन फूड, देसी खाना, आई लव देसी खाना। एंड लास्ट, एक चीज़ जो आप सबसे ज़्यादा मिस करते हैं बिग बॉस हाउस की, यहाँ वापस बिग बॉस के घर से आने के बाद, विच यू फील लाइक दिस इज़ व्हाट आई मिस द मोस्ट? वीकेंड एपिसोड्स, सलमान सर के साथ इंटरेक्शन। हाँ।